हेलो एवरीबॉडी, आज 2 फरवरी 2021 और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो एक पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए तो कोर्ट्स से हमने सोचा था कि स्टार्ट करेंगे। तो आज का कोर्ट्स है, देखिए कोर्ट्स किस लिए कहते हैं, एक उसके उसमें हमारे लिए एक मोटिवेशन। लेकिन मैं कहूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जो आए दिन जो चैलेंजेस आप अपने ज़िंदगी में फेस करते हैं वही सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है। आप सोचें, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, आप कहाँ पर अभी हैं और आप जिस हालत में हैं क्या वो हालत आपके लिए कंफर्टेबल है, क्या आप चाहिएगा कि आप जिस सिचुएशन में अभी आप जी रहे लास्ट पूरी ज़िंदगी इसी सिचुएशन में जिए, आप नहीं चाहेंगे। जब आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो फिर आपको टू इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बिल्ड करो, खुद को तराशो, खुद को संवारो, खुद को बनाओ, खुद को देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है और फिर उसके बाद उस कमी को दूर करो और फिर जो चाहते हो अचीव करना उसके लिए आगे बढ़ो। तो आज का कोर्स यही था, ठीक है, ये नहीं पढ़ा नहीं मैंने, आपको अपनी तरफ से दिया। तो बजट के ऊपर पूरा आर्टिकल है, तो बजट में क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। मीन्स आप पेपर थ्री में इकोनॉमिक्स का सेक्शन पेपर थ्री में मेंस में और पीटी में भी सवाल इससे बनते हैं। तो बड़े ही ध्यान से एक एक लाइन बजट के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, और अगर आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। आप एडिटोरियल भी सुनिए और आर्टिकल भी आपको जो है पढ़ना चाहिए, उससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। और कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो को देखना तो बिल्कुल मस्ट है, लेकिन आपको आर्टिकल भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो बजट में क्या है, 2021 का बजट 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो है पेश किया है। तो इसमें क्या चीज़ें हमारे लिए है, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया क्या है इसमें। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से भारत अछूता नहीं रहा, काफ़ी समस्याएं यहाँ पर बनी है जैसा कि दुनिया में बाकी जगह पर हुई है। लेकिन जो बजट जिस तरह से बजट है इसमें ये समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये एक बात है। तो बात यहाँ पर जो आर्टिकल में है, ये आर्टिकल का देखिए टोन ही देखिए क्या है, कैरिंग ओवर फिस्कल कंजर्वेटिज्म, यानी कि सरकार जो है टैक्स में, देखिए फिस्कल कंजर्वेटिज्म यही टर्मिनोलॉजी पहले आपको समझना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट आप जानते हैं मौद्रिक घाटा, यानी कि सरकार जितना रेवेन्यू सरकार प्राप्त करती है और जितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो वो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ एक टर्म है फिस्कल कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार टैक्स में भी बढ़ोतरी ना करे, सरकार का रेवेन्यू भी ना बढ़े, लेकिन सरकार जो है अपने खर्च में कटौती कर ले। सरकार जब अपने खर्च में कटौती करती है तो इस टर्म को फिस्कल कंजर्वेटिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फिस्कल कंजर्वेटिज्म टर्म इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने बजट लेकर के आया और इस बजट में सरकार 2021 में अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की प्रयास की है, फिस्कल डेफिसिट मौद्रिक घाटा कम से कम करने की कोशिश की है। तो इसमें आप देखिए, पहली बात है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में ओवरऑल कई बार जो है मिनी पैकेज और बहुत सारी जो है अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन आपको हैरत होगा कि अनाउंसमेंट जितनी भी सरकार ने की थी ये 1.5% ऑफ हमारे जीडीपी से ज़्यादा नहीं था। यानी कि जितना भी कोविड-19 पैकेज सरकार ने अनाउंसमेंट की थी ये हमारे जीडीपी के 1.5% से भी ज़्यादा नहीं था। तो ओवरऑल जो अभी जो बजट है इसमें सरकार का फिर भी जो है कोविड-19 के इरा में 13.5% जो है सरकार का फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कि 1.5% ऑफ जीडीपी सरकार ने खर्च किया कोविड-19 के दौर में, और ये 1.5% भी खर्च करना सरकार को मौद्रिक घाटा 13.5% बढ़ा दिया। सरकार का रेवेन्यू कम जनरेट हुआ और खर्च ज़्यादा हो गया। तो अभी सरकार ने जिस तरीके से बजट में पैसे खर्च किए हैं, किस किस सेक्टर में किस तरीके से सेक्टर में खर्च किए और किस इतना पहले हुआ था, तो दोनों को सामने रखेंगे तो बातें क्लियर आपको समझ में आएगी। तो पहली बात है कि कोविड-19 में जो शहर में जितने मजदूर थे तकरीबन एक बड़ी तादाद में 12-13 करोड़ लोग जो है बाहर काम करते हैं, गांव से शहरों की ओर ट्रैवल करके वहाँ व्यवसाय करते हैं। तो कोविड-19 के दौर में किस तरह से मज़दूरों को काफ़ी पीड़ा झेलनी पड़ी और वो अपने रूरल इलाकों में वापस लौटे,
जब वो वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद उनको कोई रोज़गार नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में जो एक सरकार का एक स्कीम है मनरेगा, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत ये स्कीम के तहत उन मज़दूरों को एक बड़ी संख्या में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो तकरीबन एस्टिमेट था 2019 से 20 में कि सरकार का तकरीबन इसमें खर्च मनरेगा में अप्रोक्स कह ले कि 1,15,000 कुछ करोड़ रुपया था, ठीक है, ये खर्च करने का। लेकिन सरकार जितना भी खर्च की है सरकार ने कटौती किया है, आगे हम और विस्तार से देखेंगे कितना कटौती किया है। अभी मनरेगा के लिए सरकार ने बजट में कितना पैसा अनाउंसमेंट किया है ये हम पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि सरकार खर्च करती है तभी जब सरकार के पास रेवेन्यू जो है सही से आता है। तो सरकार ने COVID-19 में जो एस्टिमेट किया था कि 2019 से 20 तक में हम 16.8 लाख करोड़ से लेकर के 20.2 लाख करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, यानी कि टैक्स सरकार का 16.8 लाख करोड़ से लेकर के 20.2 लाख करोड़ सरकार रेवेन्यू टैक्स आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में COVID-19 में सरकार के पास जो पैसा आया वो था 15.6 लाख करोड़। तो ये सब कम आने की वजह से सरकार का, चूँकि COVID-19 में सारा चीज़ ठप था, तो 15.6 लाख करोड़ ही सरकार के पास रेवेन्यू आया, और जिससे कि सरकार का 14.5% जो है मौद्रिक घाटा बढ़ गया, जबकि वो मौद्रिक घाटा 1.5% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो गवर्नमेंट का देखिए अभी क्या है कि एजेंडा ये है कि मौद्रिक घाटा भी कम किया जाए और इकोनॉमी को भी जो है बूस्ट किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें करने की प्रयास है, लेकिन कहाँ तक सफल है इस बजट में आप अच्छे तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। तो देखिए सरकार ने ये भी पैसे लाने की कोशिश की, यानी कि जो टैक्स में जो रेवेन्यू कम आया, तो सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां सरकार बेच करके, जैसे BPCL, एयर इंडिया और बहुत सारी जो सरकार बेचने की कगार पर उसको अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि सरकार इनको बेचना चाहती है, मतलब अपना हिस्सा इसमें बेचना चाहती है, जो सरकार का जो हिस्सा था डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी सरकार। तो तकरीबन 2.1 लाख करोड़ सरकार का ये जो टारगेट था कि हम डिस इन्वेस्टमेंट करके हासिल कर लेंगे, लेकिन ये टारगेट सरकार का फेल हुआ। केवल 32,000 करोड़ सरकार को डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए प्राप्त हुआ। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर अभी जो करने के लिए सरकार जो बढ़ाई है पैसा खर्च बजट में, केवल और केवल 0.95% है, यानी कि पहले के तुलना में सरकार ने 1% भी बजट में अपना खर्च इजाफा नहीं किया है, यानी कि टोटल बजट का जो एस्टिमेट है करंट डेफिसिट वो केवल 14.5% है। अब दो बातें, सरकार को ये भी डर लगता है कि फिस्कल डेफिसिट अगर मौद्रिक घाटा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी और सरकार के लिए जो है सरकार का कर्ज बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए, सरकार को खर्च करते रहना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जो है एक बार जब इकोनॉमी जब पटरी पर आ जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जब व्यापार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी देंगे सरकार के पास, फिर वो रेवेन्यू वापस आ सकता है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि वो अपना मौद्रिक घाटा एक हद से ज़्यादा बढ़ने के लिए नहीं देना चाहती है। तो करंट फिस्कल एक्सपेंडिचर देख लीजिए, मनरेगा के लिए तकरीबन होना चाहिए था, जैसा कि हम अभी बता रहे थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस स्कीम में सरकार को तकरीबन अलॉट करना चाहिए था 1,11,500 करोड़ रुपया। चूँकि ये स्कीम ही सबसे पहले, देखिए जो भी गांव के जो भी निवासी जो बाहर काम कर रहे थे वापस आकर के, उनको इस प्रोग्राम के तहत उनको रोज़गार मिल रहा था, तो अप्रोक्स इसमें 1,11,500 करोड़ रुपया सरकार को अलॉट करने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने ये तय किया था कि 61,500 करोड़ ही तय किया था सरकार ने बजट 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में, 61,500 करोड़ ही, और सरकार ने खर्च किया कितना, 71,687 करोड़। 1,11,500 करोड़ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 61,500 करोड़ सरकार ने बजट रखा था, और 71,687 करोड़ सरकार ने खर्च किया 2019 से 20 में। तो अभी क्या हुआ, सरकार ने अभी क्या कटौती की है, देखिए अभी भी मनरेगा में जितनी पैसे अलॉट होने चाहिए थे सरकार ने उतना पैसा अलॉट नहीं किया, जबकि व्यवसाय देने के लिए, रोज़गार के लिए मनरेगा एक बहुत ही बड़ा पिलर है, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाके में। तो मनरेगा के लिए अभी जैसा कि सरकार ने 1,11,500 करोड़ रुपया स्पेंड करना चाहिए था 2020 से 21 में, लेकिन सरकार ने इस पर स्पेंड किया है 73,300 करोड़। देखिए 73,300 करोड़ सरकार ने स्पेंड किया है, जबकि 71,687 करोड़ तो खर्चा हुआ था 2019 से 20 में,
2019 से 20 में होना चाहिए था 1,11,500 करोड़। सरकार ने 71,687 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए खर्च किया, और इस बार भी जबकि पैसा बढ़ना चाहिए था लेकिन सरकार ने 73,300 करोड़ रुपया ही मनरेगा के लिए 2021 से 22 में खर्च करने को प्लानिंग किया है, जो कि कम है। यानी कि सरकार जो है फिस्कल कंजर्वेटिज्म का जो है थ्योरी अपना रही है, इस थ्योरी को अपना रही है कि टैक्स भी सरकार कम ही अगर टैक्स है तो उसी पैसे में सरकार खर्च को कम कर रही है, और डिस इन्वेस्टमेंट करके और अलग टूल्स के माध्यम से सरकार पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और खर्च में कटौती कर रही है। ठीक है, मनरेगा में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है, इसमें तकरीबन जो खर्च होना चाहिए था वो बिल्कुल कम है। अब दूसरा, जो कोविड 19 के इरा में जो फूड सब्सिडी के ऊपर जो सरकार ने को जो खर्च करनी चाहिए थे तकरीबन 4,22,618 करोड़, ठीक है, तो इसमें 2020 से 21 में सरकार ने इसमें क्या किया, फूड सब्सिडी में बजट जो अलॉट किया है तकरीबन 2,42,836 करोड़। 2021 से 22 में इसमें भी सरकार ने एक भारी कटौती की है, 4,22,618 करोड़ फूड सब्सिडी, जो कि 2020 से 21 में इसको घटाकर कर दिया 2,42,836 करोड़। तो इसमें भी एक काफ़ी कटौती की है, जबकि ये खर्च पिछली बार कितना हुआ था यानी कि 2019 से 20 में, तो देखा जाए कि सरकार ने बजट इसमें अलॉट किया था 94,452, ठीक है, जबकि खर्च हुआ था कितना 2,23,846, ठीक है। तो सरकार ने तकरीबन इसमें जो अलॉट होना चाहिए था जितने पैसे, काफ़ी इसमें कटौती की है, ठीक है। तो इसमें कटौती करके सरकार ने कहाँ पर पैसे खर्च किए, हेल्थ सेक्टर में सरकार ने थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च किए, और शायद इसी को लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी अपेक्षित थी, महत्वाकांक्षी थी, वो कह रही थी कि इस बार का बजट ऐसा बजट है कि ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया। शायद दो चीज़ों को लेकर उन्होंने ऐसा कहा, पहला कि हेल्थ सेक्टर में पहले बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था, तो इस बार हेल्थ सेक्टर में कुछ पैसे जो है बढ़ाए गए हैं, 137% जो है इजाफा किया गया, और दूसरा जल जीवन शक्ति मिशन स्कीम के तहत भी कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं। तो ये सब जो बजट में जो किया गया है, शायद इसको लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कहा कि इस बार का बजट कभी पहले आया नहीं होगा, ऐसा बजट है। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में देखिए पैसा कुछ बढ़ाया गया है, तो तकरीबन 2020 से 21 में 94,452 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलॉट किया गया है, और 2,23,846 करोड़ जो है इसको कर दिया, 94,452 करोड़ से इसको कर दिया गया है 2,23,886 करोड़ रुपया जो है हेल्थ सेक्टर में खर्चा किया जाएगा। तकरीबन हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग सरकार ने 137% जो है इजाफा किया है। तो पेंडेमिक से एक अच्छा सबक मिला है कि हेल्थ सेक्टर किस तरीके से क्राइसिस में हुआ पेंडेमिक में, और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना, तो इस वजह से एक अच्छा कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में खर्च करना एक अच्छा इनिशिएटिव इस बजट में कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है खर्च करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखिए तकरीबन 35% जो है इजाफा किया गया है, 14.20 लाख करोड़ जो है बजट अलॉट किया गया है 2020 से 21 में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और तकरीबन 5.5 लाख करोड़ बजट 2021 से 22 स्पेंडिंग किया गया है, मतलब इतना खर्च किया जाएगा 5.5 लाख करोड़ रुपया 2021 से 22 में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। अब सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसे खर्च करेगी सरकार, ये पैसा आएगा कहाँ से, तो ये पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ये पैसा आएगा। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि देखिए, ये हमारी रुपी में नहीं होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होता है, यानी कि विदेशी जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। यानी कि सपोज डेट एक व्यक्ति अमेरिका का है और वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, किस में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो जो पैसा लेकर के आएगा क्या चीज़ में लेकर आएगा, डॉलर में लेकर आएगा, यूरोप का अगर कोई बंदा लेकर के आएगा तो यूरो में लेकर आएगा, तो जो पैसा वो इन्वेस्ट करेगा डॉलर में या यूरो में या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, अब वो पैसा सरकार जो है क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर देगी, ठीक है। तो अब सरकार जब उसको पैसा वापस करेगी तो कैसे वापस करेगी, हम जानते हैं कि डॉलर का जो है बढ़ जाता है, रुपी के मुकाबले में डॉलर बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, बाकी करेंसी तेज़ी से बढ़ जाता है और हमारा रुपया नीचे हो जाता है, तो इस वजह से अब क्या होगा कि सरकार का घाटा और बढ़ जाएगा ऐसे कंडीशन में जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डॉलर में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और हमको पेमेंट करना होगा उनको डॉलर में, जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो फिर वापस से हमारा, चूँकि रुपया अगर कमज़ोर रहेगा तो ज़्यादा रुपया हमको उनको डॉलर में के मुकाबले में ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा, रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इससे सरकार को देख सकते हैं कि एक तरह का भविष्य में नुकसान हो सकता है अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा अगर जुगाड़ करेंगे तो इससे 5.5 लाख करोड़ सरकार जो टारगेट रखी है ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से सरकार को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात है। अब देखिए कि जल जीवन शक्ति मिशन के ऊपर जो है खर्च करने की यहाँ पर बात है, तो नेशनल, तो ये तो वही बात है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जल जीवन शक्ति मिशन के ऊपर पैसा खर्च करने की बात है, ये भी एक अच्छा कह सकते हैं कि बात है। इसमें जो है सरकार ने जो कहा है कि जल जीवन शक्ति मिशन 2020 से 21 में
68,866 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा जल जीवन शक्ति मिशन में के तहत। इसमें सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, तो देखिए इसमें जो खर्च करेगी इसको भी सरकार ने हेल्थ से ही जोड़ दिया, वेलबींग, हेल्थ वेलबींग से जोड़ दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बजट में छोड़ दिया गया है। सरकार ने इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, स्टूडेंट के लिए बातें नहीं की, और MSME सेक्टर के लिए बातें नहीं की, और स्टार्टअप के लिए बातें नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें को लेकर क्रिटिसिज्म भी इस बजट का हो रहा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम आगे फिर डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि बजट अभी आया है तो इसके ऊपर लगातार जो है आर्टिकल आते रहेंगे, तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे आगे, ठीक है। तो आज इतना पर ही विराम देते हैं, नेक्स्ट दिन हम जो आर्टिकल होगा वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।